हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी। आप सबका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्वीट एंड स्पाइसी टोमेटो सॉस, और उसके साथ ही मैं बनाने वाली हूँ स्पाइसी एंड टेंगी मैगी सॉस। दोनों ही रेसिपी बहुत ही इजी है और उसे बनाना बहुत ही आसान है, जो कि डेली लाइफ में हम लोग इसे बार बार यूज़ करते हैं किसी भी स्नैक्स या किसी भी डिश के साथ। सॉस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 kg के आसपास फ्रेश एंड रेड टोमेटोज लिए। आप देख सकते हो टोमेटो बहुत ही फ्रेश है और रेड कलर उसका बहुत ही प्यारा है। टोमेटोज को मैंने यहाँ पे धो के लिया है। आप देख सकते हो टोमेटोज कितने फ्रेश और कड़क है। आपको हमेशा कड़क ही टोमेटो सॉस के लिए लेना है। अगर हम लोग नरम टोमेटोज लेते हैं तो उससे सॉस का टेस्ट अलग ही आता है। तो आइए करते स्टार्ट। टोमेटोज के डंटल मैंने यहाँ पे रखे थे क्योंकि वो बहुत ही प्यारे दिखते थे, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। टोमेटोज के सारे डंटल मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने वाली हूँ। जिस साइड से टोमेटो के डंटल हम लोगों ने निकाले थे वहाँ पे एक प्लस का क्रॉस कट हमें यहाँ पे देना है। इस तरह से मैं यहाँ पे कट लगा लेती हूँ जिससे आगे चल के टोमेटोज के छिलके निकालने में हमें आसानी होगी। इस तरह से यहाँ पे कट लगाना है। ऐसे सारे टोमेटोज पे मैं यहाँ पे कट लगा देती हूँ। मैंने यहाँ पे सभी टोमेटोज पे ऐसे क्रॉस में कट लगा दिए हैं। तो इस टोमेटोज को आप बॉईल कर सकते हैं चाहे तो, या तो इसमें गर्म पानी यानी उबलता हुआ पानी डाल के आप रख सकते हैं तो ये छिलके अपने आप निकल में आएंगे। हमें इसे थोड़ी देर में ऐसे गर्म पानी डाल के यहाँ पे छोड़ देना है और इसे कवर कर लेना है 15 से 20 मिनट के लिए। आप चाहे तो इसे उबाल भी सकते हैं। मैं इन्हें डायरेक्टली उबालूंगी नहीं गर्म पानी में क्योंकि इसे उबालने से इसका कलर थोड़ा सा फीका पड़ जाता है टमाटर्स का। तो मैंने इसे ढककर यहाँ पे रख दिया था। आप देख सकते हैं टोमेटोज हमारे थोड़े से नरम हो चुके हैं और उसने छिलके भी यहाँ पे छोड़ दिए हैं। अब मैं इसके छिलके निकाल देती हूँ। आप देख सकते हैं कैसे आसानी से यहाँ पे छिलके निकल रहे हैं और टोमेटोज का कलर भी यहाँ पे फीका नहीं हुआ है, वो जैसे पहले रेड कलर के टोमेटोज थे वैसे ही है। मैं टोमेटोज के यहाँ पे छिलके इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ही हम लोग यूज़ करते हैं इसे सॉस बनाने के लिए तो उसमें उतना ग्लॉसीनेस नहीं होता है। जैसे मार्केट में टोमेटो सॉस हम लोग लेते हैं तो उसमें ग्लॉसीनेस होता है, शाइनीनेस होता है। आपको अगर छिलके निकालना हेक्टिक लगता है तो आप मत निकालें, आप ऐसे ही इसे बना सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं टोमेटोज हमने यहाँ पे इतने आसानी से छील लिए हैं, तो मैं बाकी के टोमेटोज भी ऐसे ही छील लेती हूँ। टोमेटोज मैंने यहाँ पे पूरे छिलके निकाल लिए हैं। इसे मैं अभी मिक्सर ग्राइंडर में इसकी प्यूरी बना लूँगी। यहाँ पे मैं पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी, टोमेटो ऑलरेडी हमारी जूसी है। प्यूरी मैंने यहाँ पे बना ली है। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही बढ़िया आया है और थिक भी इतनी ही है। मैंने यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं डाला है। बहुत ही शाइनी एंड ग्लॉसी हमारी प्यूरी बन के रेडी हो चुकी है। यहाँ पे पानी आप डालते तो उसका फिर बाद में सॉस बनाने में और उसका पानी रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो हमें इतनी ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है टोमेटो प्यूरी की। मैं इसे यहाँ पे एक बाउल में निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे ये 2 स्टेप में प्यूरी यूज़ करनी है। इसी सेम टोमेटो प्यूरी से आज मैं आपको 2 टाइप के सॉस बना के दिखाने वाली, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। तो आइए करते स्टार्ट। सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ का फ्लैट पैन लिया है क्योंकि फ्लैट पैन हम लोग यूज़ करेंगे और बड़े साइज़ का पैन यूज़ करेंगे तो टोमेटो का जूस है जो जल्दी से रिड्यूस हो जाएगा, उसमें जो पानी वाटर कंटेंट है वो जल्दी से रिड्यूस हो जाएगा और हमारा सॉस जल्दी से बन जाएगा। यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 बाउल के करीब टोमेटो प्यूरी ली है, जितना कि मुझे स्वीट एंड स्पाइसी टोमेटो सॉस बनाना है तो उतना ही मैंने यहाँ पे लिया है टोमेटो सॉस। और इसे हमें धीमी आंच पे थोड़ा सा ऐसे ही पकाना है। हमें गैस फ्लेम एकदम से हाई नहीं करना है क्योंकि इसके छींटे गर्म गर्म उड़ने के चांसेस होते हैं। थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं सॉस में बॉयल आने लगा है। ऐसे ही हमें इसे थोड़े थोड़े देर चलाते रहना है और उसका पूरा पानी है जो रिड्यूस करना है, पानी पूरा सूखने देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी वैसे छूट नहीं रहा है, मतलब इसका वाटर कंटेंट बहुत ही कम हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे एक छोटी बॉयल शक्कर डाल दी है। आपको जितना टेस्ट चाहिए, स्वीटनेस चाहिए, उसके मुताबिक आप शक्कर यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं शक्कर जैसे जैसे पिघलने लगी है उसमें एक कैरेमल जैसे फॉर्म हुआ है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे नमक डाल देती हूँ। नमक से हमारा स्वीटनेस यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। थोड़ी सी रेड चिली पाउडर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। आपको जितना स्पाइसी चाहिए उतना ही आप यहाँ पे चिली पाउडर यूज़ करें। ऐसे हमें चम्मच से इसे चलाते हुए पकाना है जब तक कि पूरा पानी इसमें कम ना हो, क्योंकि शक्कर डालने के बाद और नमक डालने के बाद इसमें और फिर से पानी छूट गया है। आप देख सकते बहुत ही बढ़िया प्यारा कलर आ गया है। अब इसे 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाना है।
तो यहाँ पे हमारा सॉस रेडी हो गया है फाइनली, उसमें से पानी पूरा सूख गया है और जो भी बचा है वो प्योर सॉस। मैं इसे बाउल में अब निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट और बढ़िया स्वीट एंड स्पाइसी टोमेटो सॉस बन चुका है और इसमें बहुत ही अच्छा स्पाइसी एंड ग्लॉसी कलर आ चुका है। जैसे ही हम लोग मार्केट से खरीदते हैं तो उतना ग्लॉसीनेस नहीं होता है यहाँ पे, बट हम लोगों ने जो बनाया घर में उसमें बहुत ही बढ़िया ग्लॉसीनेस आया है और ये बहुत ही हेल्दी है, सेफ है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है जो मार्केट में मिलने वाले सॉस में होता है। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है स्पाइसी एंड टैंगी मैगी सॉस। सेम पैन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी और जो मैंने टोमेटो प्यूरी अलग रखी थी सेम बाउल में वही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी और सेम ही प्रोसेस से हमें इसे वैसे ही करना है, सेम प्रोसेस हमें अप्लाई करनी है जैसे हम लोगों ने स्वीट एंड स्पाइसी टोमेटो सॉस के लिए की थी। इस टोमेटो प्यूरी को हमें उसी तरह पकाना है और पूरा पानी इसका कम करना है, धीरे धीरे हम लोग इसे उबालेंगे। अब इसमें मैं थोड़ी सी शक्कर डालूंगी, आप चाहे तो जितना आपको स्वीटनेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि हम लोग टैंगी बना रहे हैं सॉस तो इसमें शक्कर मैं कम डालूंगी और थोड़ा सा साथ में नमक डाल देती हूँ। यहाँ पे मैं चिली सॉस डालूंगी, यहाँ पे मैंने रेड चिली सॉस डाला है क्योंकि सॉस भी हमारा रेड कलर का बनने वाला है। उसके साथ जाएगा थोड़ा सा सोया सॉस, सोया सॉस से एक अलग ही फ्लेवर आता है, टैंगीनेस आता है। उसके साथ डालूंगी मैं विनेगर, आप चाहे तो यहाँ पे लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं विनेगर की जगह, और थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे। रेड चिल्ली पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, आपको जितना स्पाइसी चाहिए आप पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद फिर से आप रेड चिल्ली पाउडर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पाइसी रेड चिल्ली पाउडर और डालूंगी क्योंकि मुझे स्पाइसी थोड़ा सा पसंद है सॉस। अब इसे ऐसे ही पकाते रहना है जब तक कि पानी पूरा सूखना चाहे। आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमारा पानी आकर सॉस का सूख गया है, देख सकते हैं पानी छूट नहीं रहा है। अब यहाँ पे डालते हैं मैजिक क्यूब, मैगी के मैजिक क्यूब मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, तो मैंने यहाँ पे दो मैजिक क्यूब लिए, थोड़ा सा उसे क्रश कर लिया है और मैं यहाँ पे डालूंगी। आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर इसका फ्लेवर और टेस्ट आपको पसंद है तो। अच्छे से मिक्स करके हम लोग इसे पकाते हैं 5 से 7 मिनट के लिए, पानी अब बिल्कुल भी नहीं छूट रहा है। गैस फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देते हैं और इसे ऐसे ही पकने देते हैं चलाते हुए, पानी मोस्टली ऐसे हुए रिड्यूस हो गया है। अब गैस फ्लेम मैं गर्म कर देती हूँ, आप देख सकते हैं पानी पूरी तरह से रिड्यूस हो चुका है। सॉस को मैंने यहाँ पे बाउल में निकाल लिया है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा बढ़िया सा सॉस हमारा बनके यहाँ पे रेडी है। यहाँ इसकी बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। इसमें हम लोगों ने जो मैगी मैजिक क्यूब डाले थे और इसमें विनेगर और सोया सॉस डाला था उसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर से यहाँ से निकल रहा है, उसकी बहुत ही बढ़िया स्मेल आ रही है और ये दिखने में बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। आप भी इस रेसिपी को घर में ज़रूर बना के देखें और ट्राई करके देखें कैसे लगते हैं। ये होममेड रेसिपीज़ है तो इसमें हम लोगों ने कोई एडिशनल फ्लेवर्स यूज़ नहीं किए हैं और कोई उसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं यूज़ किए हैं। ये जो स्वीट एंड स्पाइसी सॉस है ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, इसे आप ब्रेड या रोटी के साथ या किसी भी स्नैक्स के साथ आप बच्चों को दे सकते हैं टिफ़िन में या घर पर भी ऐसे नाश्ते में। ये दिखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है तो बच्चे इसे श्योरली पसंद करेंगे। और ये जो सेकंड सॉस हमने बनाया है उसे बड़े या बच्चे भी खा सकते हैं। इस स्पाइसी एंड टैंगी मैगी सॉस को आप पिज्ज़ा बेस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं या किसी भी चाइनीज़ डिश में यूज़ कर सकते हैं या ऐसे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं।